आखिर योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कैसे हुई बड़ी चूक? आखिर कहां हुआ सड़कों पर योगी के खिलाफ प्रदर्शन? किसने दिखाए सीएम योगी को काले झंडे? जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राजधानी लखनऊ में ही विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। अभी योगी जी का काफिला सड़कों से गुजर ही रहा था कि कुछ प्रदर्शनकारी उनकी कार के सामने कूद पड़े। लोगों ने यहां सीएम योगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदवी स्वराज दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला हनुमान सेतु के पास ही पहुंचा था कि छात्रों ने उनके काफिले को रोक दिया। वो गाड़ियों के आगे बीच सड़क पर लेट गए और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और काले झंडे दिखाने लगे। इस घटना के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्र छात्राओं को किसी तरह से हटाया। अब इस मामले में एक दरोगा सहित 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। खबर यह है कि इस विरोध प्रदर्शन की सूचना पहले से ही पुलिस को थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आने से रोकने में नाकाम रही। सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला है कि सीएम अपनी कार से ये सब देख रहे थे। इतना ही नहीं, इस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हो गए थे, जिसके बाद 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड तो किया ही गया, साथ ही साथ 14 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।